शिवानंद आश्रम जिसको राम झूला कहते हैं, तो सब महात्मा लोग थे वहां पर सब। वहां पर एक डॉक्टर कुट्टी के नाम से एक माता जी थी, लखनऊ की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, डॉक्टरों को अभी प्रशिक्षण देती थी, स्वयं शिवानंद स्वामी जी महाराज की कृपा पात्र थी, बहुत विदुषी थी। तो वो भी बैठ के कथा सुनती थी, 70 के ऊपर उनकी अवस्था थी। तो एक दिन हमसे कहा कि चलो महाराज जी आपको हम वशिष्ठ गुफा गोपाल पास में ही है, चलिए। तो वो हमको लेके गई 22 किलोमीटर दूर ऋषिकेश से ऊपर उस गुफा में। जून का महीना था, गर्मी बड़ी भयंकर थी, तो वहां जाकर के गंगा के किनारे गुफा थी। बोले महाराज ये रही गुफा, आप प्रेम से गुफा का आनंद लें, मैं जरा स्वामी जी से बात करती हूँ। तो वहां के जो प्रबंधक महात्मा थे उनसे वो बात करने लगी। हम अपनी मंडली के साथ गुफा में घुस गए, तो जून के महीने में ऐसी तरावट आई और इतनी गुफा में इतना अंधकार था कि कुछ नजर ना आवे, प्रकाश में से अंधेरे में जाओ तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता। तो अब भीतर धीरे धीरे घुसते चले गए। गुफा के अंत में एक शिवलिंग था, भोले बाबा विराजमान थे शिव जी की पिंडी, और एक दीपक जल रहा था। तो दीपक के प्रकाश में जब हम धीरे धीरे कुछ नजर आने लगा, तो बैठने का एक आसन बिछा था तो हम जाके उसी पर बैठ गए। एक ही व्यक्ति के बैठने की जगह थी, उस पर जाके हम बैठ गए। दीपक जल रहा था और भोले बाबा बैठे थे और बाकी जो हमारे संगीतकार थे, हमने कहा तुम यहां बैठ जाओ नीचे, वो लोग भी बैठ गए। एक बार हम पहले भी जा चुके थे पर हम उतना गहराई से भीतर बैठे नहीं थे, केवल दूर से देख लिया गुफा है बस हो गया। पर उस दिन जब भीतर जा करके बैठे तो प्रकाश में धीरे धीरे हमें कुछ नजर आया। तो अब हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे, देखो क्या बढ़िया गुफा है, बिल्कुल एयर कंडीशन है और महात्माओं के लिए क्या मस्त प्रकृति ने प्रबंधन किया है, ऐसे सब बातें कर रहे थे, हंसी मजाक भी हो रही थी, हास्य प्रयास कर रहे थे। इतने में हमने प्रकाश में धीरे से देखा कि एक महात्मा जी बैठे वहीं नीचे जो हमें नजर नहीं आए थे। प्रकाश जब अंधेरे में थोड़ी देर बैठे रहो तो फिर धीरे धीरे सब कुछ दिखने लगता है। जब हमारी दृष्टि उस महात्मा पर पड़ी तो हमने समझा कोई मूर्ति रखी है। हमने कही भाई पहले भी आए थे पर यहां मूर्ति तो कोई नहीं थी, ये मूर्ति कहां कब से स्थापित हो गई। अब हम मूर्ति को लेकर चर्चा करने लगे। हमारे शर्मा जी थे तबला बजाने वाले, वो बिल्कुल उसके पास ही बैठे थे। तो मैंने कहा शर्मा जी जरा देखो ये मूर्ति काय की है, किसने स्थापित करी, थोड़ा छू के देखो। तो शर्मा जी ने जैसे उस मूर्ति के सिर पर हाथ रखना चाहा सो महात्मा जी हिल गए। जैसे भी बोले शर्मा जी बोले अरे प्रभु जी ये तो कोई महात्मा बैठे हैं, देखो ये हिल डुल रहे हैं। तो मैंने कहा देखो आप शांत हो जाओ, हम लोगों ने पर्याप्त विक्षेप डाल दिया उनके भजन में, अब अपन को यहाँ से निकल देना चाहिए। भाई पहले तो भाई अनजाने में हुआ, हमको पता ही नहीं था यहाँ कोई बैठा है। अब हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमने भी अच्छी तरह देख लिया, वस्त्र सफ़ेद थे, पतले दुबले महात्मा थे, बैठ के अपने आँख बंद किए ध्यानमग्न थे। परंतु जब छूने के लिए हाथ बढ़ाया तब वो हिल गए, तो पता चल गया कि मूर्ति नहीं महात्मा है। तो हमने कहा धीरे धीरे निकलो सब बाहर। तो गुफा में जो सबसे आगे घुसता है वो सबसे पीछे निकलता है, क्योंकि बहुत संकीर्ण गुफा थी। तो वो सब निकले, बाद में हम भी निकल गए प्रणाम करके धीरे से। फिर जब जाकर के वहाँ के जो महात्मा थे प्रबंधक उनके पास जाके हम भी बैठे और माता जी उनसे बात कर ही रही थी जो हमको घुमाने ले गई थी। तो हमने उनसे पूछा महाराज ये बताइए ये गुफा बड़ी प्यारी है, हमारा तो बड़ा मन था इसमें और बैठे रहते, पर ये कोई महात्मा भजन कर रहे हैं वो कौन है। बोले नहीं नहीं यहाँ तो कोई महात्मा नहीं है। अरे मैंने कहा भाई अभी अभी हमने लोग देखा था वो महात्मा बैठ करके भजन कर रहे थे, साधन ध्यान जो भी कर रहे थे पर वो बैठे थे महात्मा। बोले नहीं नहीं बताओ कहाँ है बताओ, हमें चलिए अभी बताते हैं। और हम वहाँ गए तो अब हमने उस समय तो कुछ साधन नहीं था, पर उस समय उन्होंने प्रकाश से देखा चारों तरफ पूरी गुफा छान मारी, कोई महात्मा नहीं वहाँ पर। अब हम लोग बड़े चक्कर में पड़ गए कि हमको भ्रम हो गया आंखों में, ये चक्कर क्या हुआ। हमने कहा भाई अकेले हमने देखा होता तो हम भ्रम मान सकते थे, पर शर्मा जी थे उन्होंने भी देखा था, उन्होंने तो छूने की भी कोशिश करी थी, तीन चार लोगों ने देखा था जो हमारे साथ में थे। परंतु बाद में हमने चारों तरफ चेक किया, कोई दरवाजा तो नहीं है कि हम खिसक गए हों कहीं से, गुफा के भीतर भी हो सकता है भाई। परंतु पूरा हमने एक पूरी गुफा को छान मारा, कहीं कोई दरवाजा नहीं था, केवल प्रवेश द्वार मुख्य था और नहीं था कोई। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त उन गुफाओं में बैठ के शांति से भजन करते हैं, वो अपने लिए निर्माणादि के प्रपंच में ज्यादा पड़ते ही नहीं और दुनिया से संबंध रखते भी नहीं।